हाय गाइस, चलो हम लोगों ने देखा अभी स्पॉटलाइट में इससे पहला पार्ट कि भाई कैसे हम लोग इसमें लाइट को हम लोगों ने फोकस करते स्पॉट करते। चलो फॉर ए टाइमिंग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने लाइट लिया, लाइट में यहाँ पे शैडो बाय डिफॉल्ट शैडो में एक बार यूज डेप में शैडो ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इम्पैक्ट रियलिस्टिक दिखे। चलो मैं बस यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों ने दिखाया कि मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया। फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हो, सेव इमेज कर दोगे आप यहाँ पे तो स्पॉटलाइट में आपने यहाँ पे माइनस कर दिया भाई 1.1 सेव कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं। मेरे पास देखो ये फीचर्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने कलर देख लिया, इंटेंसिटी देख लिया, इल्यूमिनेशन इमिट एंड इमिट स्पेकुलर दोनों ही हम लोगों ने देख लिया। देखो यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ तो रेंडर में स्पेकुलर भी चाहिए तो स्पेकुलर भी दिखेगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जैसे मैंने देखा इमिट स्पेकुलर को यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे 1.1 कर दिया, आपने यहाँ पे अंडरस्कोर एसपी स्पेकुलर कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके भी आप सेव कर देना इमिट डिफ्यूजन एंड इमिट स्पेकुलर ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देन अभी हम लोग बात करते हैं डीके। अभी डीके के अंदर को डीके में क्या काम होता है, डीके में अगर आपको समझाऊं तो डीके में मेरे पास दो तीन ऑप्शन हैं। ठीक है, दो तीन ऑप्शन में अगर आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास एक लाइट है, देखो यहाँ पे देखो सिंपल दबा शिफ्ट एंड प्लेन कर दिया मैंने, आर फोर स्केल कर दिया, ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, क्रिएट पे गए मैंने यहाँ पे लिया लाइट, लाइट में लिया स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट में गए पैनल लुक थ्रू सेलेक्टेड। हम लोग लुक थ्रू सेलेक्टेड का मतलब क्या कि हमारा लाइट सेलेक्ट है उसके थ्रू हम लोग देखना चाहते हैं तो हमारे पास लुक तो सिलेक्टेड ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखा ओके दिस इज़ गुड, पर्सपेक्टिव में गया। ठीक है, देन लाइट छोटा लग रहा तो मैं इसे स्केल कर लूँगा। ठीक है, जैसे डब्ल्यू ई एन आर, आर फॉर स्केल बताएं, फोर फॉर वायर फ्रेम, फाइव एंड सिक्स, सिक्स यहाँ पे आपका टेक्सचर मोड देखते हैं, सेवन मेरे पास यहाँ पे देखेगा। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को दिखाना स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे चीज़ें कैसे मैं थोड़ा टाइमिंग यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। टी फॉर टारगेट, टारगेट मैंने यहाँ पे दिखाया भाई, टारगेट यहाँ पे मैंने कर दिया, चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा। ओके, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को जब मैं मैनेज करता हूँ तो मैं मैनेज करते हूँ मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखती कैसे हैं। ओके, डीके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, डीके डीके के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। डीके हम पास चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे स्विच टू हेयर स्पॉटलाइट, जैसे स्पॉटलाइट में देखें भाई हम लोग यहाँ पे डाला स्पॉटलाइट क्या है, सिंपल अगर एक लाइन में मैं दिखाऊंगा समझाऊँ तो क्या है, स्पॉटलाइट एलिमेंट इज लिमिटेड टू अ कोन एम्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, अभी डीके कहते हैं, डीके है क्या, पहले डीके को जानो। डीके ऑल्सो कॉल्ड एटेन्यूएशन और डिस्टेंस फॉल ऑफ, डिस्टेंस फॉल ऑफ मतलब कि जो डिस्टेंस में जाएगा धीमे धीमे उसका फॉल ऑफ एक धीमे धीमे ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डीके। ठीक है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है हाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज विद डिस्टेंस। जैसे एक जो लाइट है वो धीमे धीमे डिक्रीज होते जाते हैं डिस्टेंस पे, दैट इज कॉल्ड डीके। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पे समझोगे तो ये मेरा काम करने वाला है। तो मैं स्विच करता हूँ यहाँ पे 3D फाइल पे। ठीक है, तो दो फाइल हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास एक माई फाइल यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया दिस वन। मेरे पास यहाँ पे लाइट है, मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया माई सॉफ्टवेयर रेंडर पे, एज यू नो वेरी वेल अगर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लाइट है, लाइट को मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लीनियर पे कर दिया, अभी यहीं पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर रेंडर करो तो भी देखिएगा, आपको यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लाइट है, लाइट यहाँ से यहाँ तक धीमे धीमे कम जा रहा है। सेव करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, जैसे मैंने ये दिखाया यहाँ पे, मैं अगर इंटेंसिटी मैंने कर दिया 2। ठीक है, 2 पे आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 पे कितना दिख रहा है। ओके, तो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। अच्छा, लेट्स प्ले विद IPR, देखते हैं मेरे पास IPR में क्या काम करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया 4। ठीक है, 4 किया मैंने यहाँ पे, ओके 4 पे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूँ, मैं मैनेज करूँ तो मेरे साइड से कुछ पार्ट दिख रहा है, IPR में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा। किसी एक एंगल से लाइट दिखाना तो मैं एंगल से लाइट यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो मैंने क्या दिखा, लाइट एंगल दिखा है यहाँ पे, लाइट एंगल यहाँ पे विजुअल है। ठीक है, लीनियर है। अभी यहाँ पे क्या होता है, कई चीज़ समझ में आती है यार, लीनियर क्या होता है। ठीक है, लीनियर क्या है, क्वाड्रिक क्या है और क्यूबिक क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा। अगर आपको मैं कहता हूँ जैसे नॉर्मल लाइट, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ग्राफ वाइज समझाऊँ, ग्राफ वाइज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास एक सिंपल से लाइन नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर। ठीक है, ये जो लाइट है ये धीमे धीमे यहाँ पे नॉर्मल जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग वे में दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, क्वाड्रिक कर दिया, क्वाड्रिक करने पर अपन इंटेंसिटी मुझे मतलब जो इंटेंसिटी वो बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो देखी ना, बहुत कम दिख रहा है। मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, मैंने कर दिया 4 की पावर 4, 4 के ऊपर मैंने देखो क्वाड्रिक। ठीक है, क्वाड्रिक को समझो, देन इसके बाद मैं आपको यहाँ पे तो यहाँ पे समझा दूँ। जैसे डीके है, डीके में यहाँ पे स्विच करते हैं पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, डीके रेट है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या डीके टाइप में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे डीके टाइप में जैसे 0 मतलब नन, नन मतलब कि आपके पास कोई भी नंबर नहीं है, तो बिना नन के मैं आपका बिना डीके के आपका काम कर रहा है। लीनियर मतलब 1, इनवर्स, ठीक है,
क्वाड्रिक मतलब क्या, इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर की पार्ट में यूज करूंगा, जैसे मैक्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पे इनवर्स स्क्वायर मिलेगा, क्वाड्रिक नहीं मिलेगा। तो कई जगह दो ही होते हैं, जैसे आप मैक्स में जाओगे या कई और दूसरे सॉफ्टवेयर में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, लीनियर एंड क्वाड्रिक ही है, क्यूबिक नहीं है। माया के अंदर आपका क्यूबिक भी है। तो उससे मैं इसे रिलेट करता हूँ समझाने के लिए, जैसे स्क्वायर है, अभी मैं स्क्वायर के ऊपर अगर मैं डील करता हूँ तो वो चीज़ मेरे पास काफ़ी तक मैं उसकी इंडस्ट्री के आसपास पहुँच पाऊँगा। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास इंडस्ट्री 4 है, 4 में क्या रेंडर आ रहा है देख रहे हैं, अभी मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो 16 हो गया। अभी मुझे समझने के लिए, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो लाइट का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, तो मैं इस रेशो में अगर मैं नंबर बढ़ाऊँ तो मेरे पास काम हो सकता है। अभी जैसे मैंने अभी क्या, जैसे मैं जनरल में अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे 20-30 अगर मैं नंबर बढ़ाता हूँ तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं अरे नंबर कैसे बढ़ा लेते हो आप। तो एक जनरल से पार्टी अगर मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ को बढ़ाना है तो मैं क्वाड्रिक में हूँ, क्वाड्रिक में मैं कितना काम कर सकता हूँ, आप 100 पे भी जाओगे, ठीक है, 1000 पे भी जाओगे। देखो अभी इतना पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, इतना ही लेवल देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसके अंदर हम एक चीज़ और जब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है, इसको अगर मैंने यहाँ पे कितना 1000 भी अगर मैं करता हूँ तो 1000 पे कितना जा रहा है, वो चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। देखो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लाइट जो जा रही है धीमे धीमे यहाँ से ग्रेजुअली यहाँ पे कम हो जा रही है। तो ये हमारा क्या है, डीके, डीके के साथ हमने देखा कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग के माइंड में ये क्या है, अभी यहाँ पे मैंने कर दिया नो डीके, तो नो डीके में तो देखो यहाँ पे नो डीके में क्या हो जाएगा, ये तो बर्न कर जाएगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं बर्न करना। कोई भी चीज़ बर्न करेगा तो वाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने गए लीनियर पे, तो लीनियर में आपको कितना दिख रहा है ये समझो, देखो यहाँ पे जब दिख रहा है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बेसिक कलर हटके प्रॉपर व्हाइट ही हो जाए तो आपका बर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इसी को एक एक एग्जांपल में और अगर आपको मैं समझा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने कर दिया एक स्फीयर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और फोर स्केल कर दिया यहाँ पे। जैसे मुझे कैंडल चाहिए, कैंडल के देखो तो इसके एग्जांपल क्या, कंट्रोल डी कर दिया, कैंडल हो, मैच बॉक्स हो, ठीक है। ये देखो मैं कंट्रोल डी शिफ्ट डी मैंने कर दिया यहाँ पे, फ्रंट पे गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जेक्ट। मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, अभी जब हम लाइटिंग में, तो लाइटिंग में कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे मैनेज करता, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ, सब कुछ ऑफ, मुझे सिर्फ ज्योमेट्री ऑन करना, तो ज्योमेट्री ऑन करूँगा। राइट साइड में गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये देखो पार्ट देखे ना मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास लाइट सेलेक्ट नहीं होगा, मेक श्योर ध्यान देना क्या यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी, ओके, चार यहाँ पे, चार यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर आपको मैं लाइट में दिखाऊँ, लाइट दिखा, जब ऑब्जेक्ट होता है तो बहुत बढ़िया दिखता है, देखना यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सा फंडा पता चलेगा भाई डीके क्या है। लाइट के ऊपर देखना यहाँ पे, लाइट का मैंने कलर थोड़ा सा कर दिया, वार्म टाइप से मैं कर देता यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किया बहुत बर्न सा दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने लीन जब मैंने क्वाड्रिक कर दिया तो आपको धीमे धीमे वो चीज़ दिखेगी, देख रहे हो कितना बढ़िया लाइट का इम्पैक्ट जा रहा है यहाँ पे। तो देन दिस इज कॉल्ड डीके, ठीक है। एक ये पार्ट है, इसी पे मैंने क्या किया, मैंने क्रिएट कर दिया लाइट एंड मैंने यहाँ पे कर दिया पॉइंट लाइट। यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स डालूँ तो थोड़ा सा बढ़िया नजर आएगा, यहाँ पे दिखाया मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे किया तो वो सब पूरा दिख रहा है, पूरा विजुअल है, मुझे पूरा नहीं दिखाना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया क्वाड्रिक, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 5, देखना कुछ इम्पैक्ट आता है अभी कि नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू, कूल एंड वार्म का इम्पैक्ट। यहाँ पे मैंने कितना कर दिया 50, देख रहे हैं आ रहा है इम्पैक्ट। तो ये लाइट को कैसे मैनेज करो, यहाँ पे लीनियर पे कर दो तो दोनों इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैनेज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैंने कर दिया 500, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया क्वाड्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ को मैं अगर मैनेज कर दूँ तो मेरे पास कैसे आ रहा है, भी नॉर्मल सॉफ्ट सा इम्पैक्ट आ रहा है। मुझे यहाँ पे लिमिटेड ही कर देना है, देखो लिमिटेड दिखना है, लिमिटेड ही करना है। तो मैंने 500 को मैंने कितना कर दिया, मैंने कर दिया 300, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको नंबर के साथ प्ले करना, देखो यहाँ पे भी इतने एरिया पे दिखना स्टार्ट, बाकी जगह नहीं दिख रहा, मुझे सब कुछ दिखाने की नीड नहीं है। तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मेरे को इम्पैक्ट अगर दिखाना तो मैं डीके का ऐसा इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी इसी को मैंने यहाँ पे क्वाड्रिक की जगह मैंने क्यूबिक कर दिया, क्यूबिक में आप दिखेगा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे इतना ही दिख रहा है। टेन थाउजेंड यही तक का इम्पैक्ट आ रहा है। तो इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि मैं कितने दूर तक जा सकता हूँ। तो जब हम लोग लाइटिंग करते हैं, लाइटिंग को ग्रेजुअली स्मूथ करना है, मैनेज करना है, तो उसमें हम लोग इस टाइप की चीज़ों को भी बैलेंस करते हैं कि आपको यहाँ पे इम्पैक्ट मिल जाए, किस टाइप से आप काम करो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हो।
तो ये एक बेसिक सा आइडिया होता है कि हम लोग कैसे चीज़ों को फुलफिल करके दिखा सकें। ठीक है, यहाँ से मैंने लाइट ऑफ कर रखा है, दिख रहा है यहाँ पे, ऑल ऑब्जेक्ट ऑन कर दोगे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पार्ट दिखे यहाँ पे, ओके। तो ये एक बेसिक सा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है कि डीके के साथ आप कैसे काम कर सकते हो आप यहाँ पे।